पालो जिनिस जलुकको जाडो सिलगढीको घाम अन्त सधैँ हाम्रो ड्राइभरीको काम हाम्रो गाडी सधैँ हजुरहरूकै निम्ति गुड छ। सिलगढी पुलिसले चाहिँ एसके गाडी देख्ने बित्तिकै किन हामीलाई लुट्छ? गुड 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 मर्निङ एभ्री वान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आप सबैको मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत है गाइस। तो बहुत दिन बाद आज से फिर से एक और छोटा छोटा ब्लग लेके मैं आपके सामने आ चुका हूँ। और आज हम लोग सिलेरी गाँव टू आडिटर का ब्लॉग करने वाले हैं, जो कि बहुत दिन बाद मैं फिर से सिलेरी गाँव से पिकअप करके आडिटर के और सिक्किम के ओर जा रहा हूँ। क्योंकि आप लोग को पता ही था, मैं इससे पहले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने मुझे नॉर्थ सिक्किम वाले ब्लॉग पे तो देखा ही था होगा, बट बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बन रहा था। फिर से आज एक न्यू ब्लॉग लेके आप लोग के बीच आ चुका हूँ। तो वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और जो भी मेरे चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के लिए बिल्कुल भी ना भूलिएगा गाइस। तो बहुत दिन से मतलब मेहनत करते करते ना क्या ही बताऊँ आप लोगों को, मतलब इतना ज़्यादा गाड़ी चलाना पड़ रहा था कि अभी गाड़ी धोने का टाइम भी नहीं है। और गाड़ी का कंडीशन देख सकते होंगे कुछ इस प्रकार का है, और थोड़ा बहुत गंदा तो गाड़ी में है, पर क्या करें, फिर से तो वैसे ही होने वाला है। क्योंकि फिर से आज से टूर स्टार्ट हो चुका है मेरा, और आज सिलेरी गाँव से आडिटर का ब्लॉग होने वाला है, और मेरा आज का स्टे भी सिलेरी गाँव से आडिटर का स्टे है। तो गाइस तो अभी यहाँ से थोड़ी देर बाद हम लोग निकलने वाले हैं, और यहाँ से निकलने के बाद साइट सीन करते हुए हम लोग आडिटर की ओर जाएंगे। और यहाँ मेरा गाड़ी देख सकते होंगे स्टार्ट, देखते हैं लंबा सेल्फ ले रहा है। तो मेरा डायनोमा जो है ना, डायनोमा में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, बट इसको भी जल्दी जल्दी बनाना है। और मेरे टूरिस्ट लोग अभी रेडी हुआ है कि नहीं है, बट मेरे को पता है नहीं, क्योंकि मैं जस्ट अभी आया हूँ और गाड़ी को थोड़ा सा स्टार्ट करके रेस्ट करने वाला हूँ। तो गाइस तो नाश्ता वगैरह करके ऐसे निकलते हैं। गाइस तो फाइनली अपना लगेज वगैरह बांधना कंप्लीट हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं हम लोग का टूरिस्ट भैया सब रेडी है। ये हमारा भाई का गाड़ी और ये इधर शेखर भैया का गाड़ी। शेखर भैया साहब से थोड़ी देर बाद मिलाते हैं। और यहाँ देख सकते होंगे मेरा गाड़ी जो कि फुल लगेज वगैरह बांध के रेडी हो चुका है। और हमारा शेखर भैया कुछ बोलना चाहता है? भरे बोलेगा, भरे बोलेगा। तो हम लोग का भैया सब रेडी हो चुका है, और अभी हम लोग का मतलब देरी भी बहुत ही देरी हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और देखते हैं अभी साइट सीन कहाँ का जाना पड़ता है, बट मेरे को उतना पता है नहीं। तो अभी हमारे शेखर भैया और जो तेजराज भैया है उन दोनों अब फाइनल डिसीजन करेगा कि कहाँ का हम लोग को साइट सीन दिखाना है। तो मिलते हैं आप लोग से साइट सीन वाले पॉइंट पे या फिर रोड पे। फाइनली अभी हम लोग आडिटर लेक पहुंच चुके हैं। और मेरा सुनील भाई मिल गया आडिटर लेक पे। इधर हम पौड़ी खेलेंगे, आप लोग देखना। यहाँ मछली देख सकते होंगे, ओह माय गॉड, यहाँ पर उधर में मछली है, बट ये देख सकते होंगे लेक का नजारा वाकई में खूबसूरत नजारा है। यहाँ गाड़ी वाकई में टूरिस्ट लोग बहुत ही ज्यादा साइट सीन के लिए आता है, और उसी मौके को
फायदा उठाते हुए हम लोग भी ये दादा को मैंने एक घंटा हो गया तो एक स्टिंग खरीदो दादा, वो अभी तक खरीदा ही नहीं। स्टिंग खरीदने का पैसा नहीं रहा, यूट्यूब से भी पैसा नहीं आ रहा है भाई। गैस तो यहाँ देख सकते हैं मछली, वाकई में बहुत ही ज्यादा मछली है, देख सकते होंगे। खोलू तो मुराई लिया था तिमी त कहिले पैसा हुँदैन त भने जस्तो पोखट पे पैसा नै हुने कारण चाहिँ हामीलाई भोक्स मर्ने वाला है। अभी मैं भाई को जीपे करके भी खिलाऊंगा, कुछ जब खाएगा वही खिलाऊंगा। अरे बाप रे बाप, एक केस बियर खाऊंगा और खिला दूंगा भाई, खिला दूंगा। बट क्या करे, अभी पॉकेट पे पैसा है नहीं, बहुत ही गरीबी आ चुका है। अभी सिर्फ इसमें ये ऐसे जीपे नहीं होगा, सुन आओ ना जस्तो। अभी क्या बोलो भाई, बेचारा आने के लिए कोशिश, मतलब आने के लिए नहीं खोज रहे। अभी आप लोग को तो क्या करूँ, पर जाना ही पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। भाई बोल रहा है क्या वगैरह वगैरह फालतू फालतू बात बोल रहा है, बट उसको सुनना है नहीं। तो पॉकेट पे पैसा भी है नहीं, फुट 5 कंची भी नहीं है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, वाकई में पैसा है नहीं। तो अभी परमिट का पैसा हम लोग को उठाना पड़ेगा, फिर परमिट बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजना पड़ेगा, और अभी जो कुछ भी खाना है सब जीपे करना पड़ेगा। वैसे तो पैसा है नहीं, और यहाँ देख सकते होंगे लेक पे बोटिंग वगैरह हो रहा है। इधर तो मछली भी दिखाई नहीं दे रहा है। गॉड, बोटिंग करते रहे मजाले, हामी पनि बोटिङ गर्न पाएको कति मजा आउँथ्यो। एक्लै त के मजा आउँछ हो, साथीहरू त आउनु मान्दैन, हल्सी गर्छ के केटाहरू, खालि खट्टु मात्रै भन्छ, कहाँ हुन्छ त्यसरी होइन। हल्का इन्जोय त गर्दै गर्नु पऱ्यो नि त। यहाँ माथि मोनेस्ट्री छ गाइस, त अब त नेपाली त नै समझ सक्दा होगा, बट ऊपर पे एक मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री भी जाना है हम लोग को, देखते हैं क्या क्या होता है। ओ मछली दिख रहा है, अभी बहुत दिन बाद दिख रहा मछली आज। गाइस तो फाइनली अभी दुकान पे आ चुका हूँ, और मैगी बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया है हम लोगों ने, जो कि यहाँ मेरा शेखर भैया और इधर तेजू भैया, तेजू भैया आई कर दिया, और इधर हमारा जो जो दुकान का ओनर, जो कि अभी अंदर मैगी बन रहा है और मैगी वगैरह हम लोग खाएंगे। बहुत भूख भी बहुत जोर से लगा हुआ है, आप लोगों को मैंने बोला ही था कि भूख लग रहा है, बट अभी यहाँ से मैगी खा के निकलने के बाद फिर से कौन सा पॉइंट मिलता है, अब देखते हैं क्या होता है। बट अभी यहाँ शेखर भैया बहुत ही बिजी है, और शेखर भैया का भी चैनल है यूट्यूब पे, क्या नाम पो सर, क्या नाम है, शेखर को ब्लॉग। गाइस तो शेखर को ब्लॉग यूट्यूब पे सर्च कीजिए, और उनके भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे भैया सिंगिंग है, जो कि एउटा गाएर सुने, देख गाना गाके सुना दीजिए ना। तो मेरे गाइस अभी तो का यहाँ पे हो, भरे भरे सुनाता है वो तो भी थोड़ा सा, शेखर भैया को थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, उनके यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिएगा, गाना बहुत ही भैया का वॉइस भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ देख सकेंगे लेक पे आने के लिए हम लोग को ईसा पर्ची वगैरह काटना पड़ता है, तब एंट्री कर पाते हम लोग, पर ये सब टूरिस्ट पैसा देता है। अभी बिना काट के हम लोग को भूसा नहीं, मैगी तो बन रहा है, अभी धमाधम मैगी खाना पड़ेगा यार, वाकई में बहुत चीज है, भूखा तनने वाला है। तान दो, तान दो, लो ऑर्डर दो। इसमें फ्लेवर डाला हुआ नहीं है ना अभी, ओ फ्लेवर डाला नहीं, पहले इसको बनाना पड़ेगा, उसके बाद में बना के अब हम लोग दिखा देंगे। अच्छा अच्छा, और क्या बोल रहे थे, अरे तो पूरा मजा इंजॉय हो रहा है यहाँ पर। मैगी आएगा कब, बहुत ही इंतजार कर रहा है यार, वाकई में मिलते थोड़ी देर बाद। बस तो हम लोग का मैगी आ चुका है, देखिए वाकई में बहुत ही अच्छा दिख रहा है, मतलब अभी टेस्ट करना पड़ेगा कैसा है, बट अभी देखते हैं थोड़ा सा टेस्ट करके।
अच्छा है ओके में दारुन दारुन नेट है बालो। देखिए हमारा तेजू भाई किस प्रकार से मैगी को ठंडा कर रहा है। अभी बहुत गर्मी है ना यार, गरम गरम पका हुआ है। गर्मी है ऐसा होता है, ड्राइवर जिंदगी ऐसा ही होता है। जलुक को जाड़ो सिलगुड़ी को घाम अंत सधैं हाम्रो ड्राइभरीको काम हाम्रो गाडी सधैँ हजुरहरूकै निम्ति गुड छ। सिलगढी पुलिसले चाहिँ एसके गाडी देख्ने बित्तिकै किन हामीलाई लुट्छ? गुड गुड किन लुट्छ त्यो ड्राइभर सिलगढीको थानामा गएर भन्नुपर्छ। ओके बहुत ही टेस्टी है, पहले अब इसको खत्म करते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद।